नियमगिरी में 10 साल के संघर्ष में वीडियो का बहुत बड़ा रोल है। शुरू से अगर आप देखेंगे तो केवल सर्वदृष्टि और वीडियो रिपब्लिक नहीं, वहाँ पे और एक छोटा ग्रुप है केवीके समाचार, ये सब ने बार बार वेदांत के विभिन्न वायलेशंस है उसको वीडियो के थ्रू उसको कैप्चर किया और डॉक्यूमेंट्री, तब तक हम जो वीडियो को देख रहे थे एक कैंपेन के टूल के हिसाब से, तब हमें ये भी लगा कि ये एविडेंस का भी बहुत अच्छा टूल हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट एविडेंस। नियमगिरी में पर्टिकुलरली जो 2009 में एक उन्होंने ग्राम सभा किया, जन सुनवाई किया था वेदांत और ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा मैनिपुलेशन किया था उस जन सुनवाई में, उसको हम लोगों ने वीडियो में कैप्चर किया था और उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, ट्राइबल अफेयर्स, इन सबको भेजा था। उससे सरकार को तो ये समझ में आ गया कि अगर वो उस जनमत सुनवाई को वैलिड मानती है तो वो पूरा पूरी एक्सपोज हो जाएंगे कि ये एक वेदांत के साथ किस हद तक मिले हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो पे आ चुका था। तो उसके बाद हमने देखा कि जयराम रमेश जो था तब मंत्री, उसको कोई चारा ही नहीं बचा कि वो एडमिट करे कि ये जन सुनवाई गलत था। उसके बाद हमने देखा जब एनसी सक्सेना का कमेटी आया, वहाँ पे भी उन्होंने जो सारा वीडियोस था उस वीडियोस से उनका रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें उसमें झलकती है, और ऐसे बार बार बहुत सारे चीज़ों में जो पूरा ये जो लीगल बैटल रहा नियमगिरी का, उसमें तो वीडियो का, खैर वो सुप्रीम कोर्ट में तो वीडियो इज़ नॉट एन एडमिसिबल एविडेंस, बट इन टर्म जितने सारे कमिटीज़ बने हैं वहाँ पे वीडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण वो रहा एज एन एविडेंस, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तब तक था नहीं कि इसको हम यूज़ करें एज एन एविडेंस टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। उसके अलावा जब अगर हम नियमगिरी का आंदोलन का शुरुआत भी देखेंगे, 2006-07 में कई सारे गांव थे नियमगिरी के अंदर जहां पे बात पहुंची नहीं थी कि वेदांत आ गया है और माइनिंग होता क्या है, दिखता कैसा है। तब हम लोगों ने वेदांत का जो दूसरी जगह जहां पे माइनिंग हो रहा है उसका फुटेज लेके, वो विभिन्न जगहों से, छत्तीसगढ़ से लेकर, उसके अलावा दूसरा भी जो माइनिंग है उड़ीसा में हो रहा है, ये सारा फुटेज लेके कोई भाषा में एक फिल्म बनाया था जो गाँव गाँव में हमने दिखाया था। बस वही था, लोगों तक जानकारी पहुंचा, उन्होंने वीडियो में देखा कि माइनिंग क्या है, और तब से इन सारे गांव में एक विरोध का एक वो शुरू हुआ। बात वो है कि वीडियो यहाँ पे, और एक चीज़ हमने समझा कि कई सारे ऐसे जगहों में जहाँ पे एक उद्योग आता है या खनिज कंपनी आती है, तो वहाँ पे लोगों को कई बार पता नहीं होता है कि ये होगा क्या अल्टीमेटली। माइनिंग तो बोल रहे हैं लेकिन माइनिंग होता क्या है, इंडस्ट्री होता क्या है। यहाँ पे आप आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे पढ़ने का ज़्यादा वो है नहीं, तो वहाँ पे वीडियो एक ऐसा मीडियम है जो सबके पास मतलब इजीली पहुँच जाता है। तो इसमें कई एस्पेक्ट्स में वीडियो ने इस संघर्ष में अपना छोटा सा एक रोल प्ले किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अभी ग्राम सभा में भी देखिए, ग्राम सभा का जो पहला दिन था वहाँ पे वीडियो रिपब्लिक से सौरभ थे, फिर केवी के समाचार के असलम थे और समदृष्टि के तरुण थे। इन तीनों के रहने से वहाँ पे जज जो है, जो जितना भी वो वहाँ पे मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते, जज थे ग्राम सभा के मेन अध्यक्ष, वो बेसिकली न्यूट्रल ऑब्जर्वर जैसे थे और उनका रोल था कि वो इंश्योर करे कि फ्री और फेयर प्रोसेस में ये होगा, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही काफ़ी मैनिपुलेशन किया। लेकिन ये तीन कैमरा जो उनके चारों तरफ थे, वो उससे वो समझ गए कि वो बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो पहले दिन में ही जितना सारा मैनिपुलेशन करने का कोशिश किया था उन्होंने वो सब फ्लॉप हुआ। लोगों को अंदर भी एक साहस होता है कि ये कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये हर जगह दुनिया के सामने पहुंच जाएगा। तो पहले दिन ग्राम सभा में ही वो एक कैमरा के प्रभाव से जो जज है उनको एक जो डेकोरम है उनको मेंटेन करना पड़ा और अपना काम जो उनका था वही किए और मैनिपुलेट करना उन्होंने बंद किया। फिर ये ग्राम सभा में अभी रीसेंट का वो है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि अगर वीडियो शायद नहीं होता उधर तो
तो ग्राम सभा में तो एक रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, वो मतलब लोगों का जो बात है उसको काफ़ी मैनिपुलेट कर लेते हैं वो लोग। ये भी है कि लोग आदिवासी भाषा में बोल रहे हैं और जो सरकारी आदमी है जो उसको जो उसका भाषांतर कर रहा है वो वहाँ पे भी मैनिपुलेट कर रहा था। तो हमारा ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो एक एविडेंस है कि लोगों ने एक्चुअली बोला क्या है, जो लिखा गया है ग्राम सभा में इनमें वो एक ट्रांसलेशन है, वो रियल चीज़ नहीं है। तो एक तरीके से जो 12 ग्राम सभाओं में ईच एंड एवरी विलेजर जो जो बोला है उसका एक तो सरकारी वर्षन है जो उड़िया में लिखा गया है, लेकिन वीडियो में जो रियल चीज़ है वो कैप्चर्ड है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा रिपोर्ट बन के कि क्या हुआ ग्राम सभा और ये सारे मैनिपुलेशन जो है वो फिर आगे आएंगे, तब हम इसको काउंटर कर पाएंगे इस वीडियो के। ये आप लोगों को कहीं रोकने की ग्राम सभाओं में कैमरे लेकर रोकने की तो कोशिश किया, लेकिन उन्होंने जब देखा इतने सारे लोग हैं और जो गांव के लोग हैं उन्होंने खुद ग्राम सभा शुरू होते ही बोला कि हमारा ग्राम सभा है और हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग इसको रिकॉर्डिंग करें ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो, तो जो भी कोशिश उनकी रही वो फेल हुआ। ये मैं जरा शुरू से जानना चाहता हूँ कि ये आप लोगों ने जो काम शुरू किया है पोस्को और फिर विधानता के खिलाफ ये जो छोटे छोटे वीडियो फुटेज के जरिए लोगों तक पहुँचाने, ये कब शुरू हुआ था और कैसे इसका प्रारंभ हुआ? मेरा जो अपना पर्सनल जर्नी है वो 2005 से शुरू होता है। वो जब वहाँ पे मैं अपना जो कॉरपोरेट जॉब था वो सब छोड़ के मैं वापस उड़ीसा गया तो देखा कि बड़े डॉक्यूमेंट्रीज तो बन रहे हैं, बड़े फिल्मकार भी आ रहे हैं और खूब सारे NGOs भी है जो अपने टाइप के डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं जो काफ़ी इश्यूज़ को डीपॉलिटिसाइज करता है और बहुत एक सॉफ्ट क्रिटिसिज्म होता है इन सारे चीज़ों का। और दूसरी बात है कि एक जो जो नज़र है वो एक बाहर वाले का नज़र होता है हमेशा, संघर्ष के अंदर से जो बातें हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए। तब मुझे और कुछ और लोगों को लगा कि इसको तो हमें कैसे ना कैसे एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लोग अपने आप से ही रेस्पॉन्ड कर पाए थ्रू वीडियो एंड थ्रू अदर मीन्स। वीडियो इसलिए क्योंकि वीडियो में आपका आप लिखना जानते हैं नहीं जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, अगर एक मतलब सबको एक विजुअल सेंस है क्योंकि जैसे जॉन बर्जन ने कहा था कि हम पहले देखना सीखते हैं और फिर बोलना या सबसे पहला चीज़ जो है वो विजुअल होता है तो वो सबसे ईजीली कम्युनिकेट करता है वहाँ। तो ये तो क्लियर था बात कि वीडियो जो है उसका जो अपील है वो कोई और मीडियम का है नहीं। दूसरी बात है कि ये एक बहुत ज़रूरत था कि मतलब लोग अपनी बात रखें। तीसरी बात ये है कि हमने ये 2005 में था, एक ही साल में मैं ट्रैवल कर रहा था और हम सबको लगने लगा कि कुछ मतलब जो स्टेट का जो वायलेंस जो है जो संघर्ष को तोड़ने के लिए वो बहुत स्टेप अप करने वाले हैं। और 2006 2 जनवरी को कलिंग नगर में टाटा को विरोध करने वाली आदिवासियों के ऊपर पुलिस गोली चलाता है और 14 लोगों की मौत होती है जिसमें महिला और बच्चे भी थे। उसका जो पूरा ये फायरिंग का शूटिंग हुआ था वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट ने किया, उस लोकल जर्नलिस्ट ने लेकिन उस सारा फुटेज को टाटा को बहुत पैसे लेकर बेच दिया और चुप बैठ गया। इतना बड़ा मैसेकर हो चुका है और उसका जो एविडेंस था किसी के पास और वो हमारे हाथ नहीं लगता है, तो हमें ये लगा कि ये हम अगर हम अपने आप से ही कुछ सिस्टम ना तैयार करें इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए तो ये बार बार होने वाला है। तो 2006 के बाद हम एक बहुत मतलब एक कैंपेन मोड पे सारे मूवमेंट्स में जाके कैसे वीडियो का एक लोगों के साथ एक रिश्ता बने कि वीडियो को हम वो यूज़ करें वो हमने शुरू किया। तो नियमगिरी में कलिंग नगर में पोस्को के खिलाफ वो हर जगह मैं खुद जब शूट कर रहा था तब वहीं के लोगों को थोड़ा बहुत इनफॉर्मल सा बेसिक सा बता देता था कि कैसे किया जाता है। फिर धीरे धीरे ये देखने लगा कि जो लोग हैं गांव के लोग हैं
जो कृषक हैं वो खुद ही पैसा इकट्ठा करके मुझे पैसा दे रहे थे कि आप कैमरा खरीद लो हमारे लिए दिल्ली से या कहीं से। तो वह उन्होंने अपना कैमरा लिया, फिर बस जो मैनुअल में लिखा है वो अंग्रेज़ी में लिखा है उसी का मैंने बस उड़िया में बता दिया। तो उतना ही उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत था उस समय पे, क्योंकि उनको मालूम था कि क्या कैप्चर करना है और क्या दिखाना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो है उसकी समझ सबसे ज़्यादा उनको है। तो धीरे धीरे कलिंग नगर में बहुत अच्छा रहा कि 2006 के बाद और भी लगातार आक्रमण होता गया और ये सारा जो है वो डॉक्यूमेंट हुआ। और इस बार कोई लोकल जर्नलिस्ट नहीं था कि जो उसको बेच देगा टाटा के लिए, क्योंकि गांव वाले खुद उसको वीडियो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये सारे घटनाएं हो रही हैं। मतलब पहले तो उन्होंने कुछ और ही उसको वो डिस्टॉर्ट करते थे। तो ये प्रोसेस बेसिकली वही हुआ है कि ये जब ये जो मीडिया का जो पूरा रहा है कि जैसे मीडिया तो एक तो वो मतलब जो स्ट्रक्चरली वो तो एक कॉरपोरेशंस के लिए काम करता है, और जो ग्रास रूट्स में हम कभी कभी देखते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे जर्नलिस्ट कभी कभी कुछ कर लेता है, वो भी ख़त्म हो रहा था क्योंकि कॉरपोरेट्स जाके उनको भी इधर से भी आके उनको खरीद ले रहे थे। तो उस सिचुएशन में ये एक सही रिस्पॉन्स रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वीडियो है हमने फिर ये देखा कि कहीं पे जैसे वेदांत नियमगिरी में जो कर रहा था उसको हमने जाके पुरी में दिखाया, जहाँ पे वो 10,000 एकड़ ज़मीन पे एक यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे पूरा लैंड ग्रैब करने का सोच रहा था, वो भी मल्टी क्रॉप लैंड और 25 गांव को विस्थापित कर। तो वहाँ पे मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, लेकिन नियमगिरी के मूवमेंट का फिल्म जब उन्होंने देखा तो रातों रात सब गाँव वालों को समझ में आ गया कि होने वाला क्या है और कैसे होता है, रिप्रेशन क्या होता है, पुलिस का ये जो लैंड ग्रैब का जो पूरा प्रोसेस है क्या होता है, कलेक्टर का क्या रोल होता है उसमें, पुलिस का क्या रोल होता है, ये सारा वो एक समझ जो है वो बन गया फिर। और विजुअल का वो ये ना आपको समझ में आ जाता है कि मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये सारा जो जितने सारे इंस्टेंसेज है मैं बता रहा हूँ, इन सब से ही हमें ये समझ में आ गया कि इस काम को जितना आगे बढ़ाएंगे उससे उतना ही स्ट्रेंथन होगा और एक नेटवर्क भी बनता है सारे संघर्षों के बीच में। जब हम वेदांत का कहानी लेके पोस्को के अंचल में दिखाते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि ये केवल एक कंपनी की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा कंपनी होता है एक बुरा कंपनी होता है, एक पूंजीवाद का जो कैरेक्टर है जो उसको समझने की समझ एक बना। फिर ये इस दौरान आप लोगों के सामने थ्रेट्स के किस तरह गिरते हैं? थ्रेट्स देखिए, थ्रेट्स बहुत टाइप के हैं। जो एक तो है कि यूजुअल थ्रेट्स हैं कि आप जब पुलिस एक्शन हो रहा है तो आपको कैमरा बंद करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा अगर आप फिर भी बंद नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ वायलेंस भी हो सकता है। ये ऑलमोस्ट हम सभी लोगों के साथ हुआ है। उसके अलावा डिपेंडिंग की कौन है उसके हिसाब से उसका जो पर्सनल सिचुएशन है उसी को लेके काफ़ी डिफरेंट टाइप का प्रेशर भी डाला गया है। जैसे कलिंग नगर में रघु जामुरा जो एक आदिवासी यूथ हैं जो वहाँ पे शूट करते हैं, उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे जो IAS में थे लेकिन वो झारखंड के हैं। तो ये कलिंग नगर मूवमेंट को तोड़ने के लिए उनको केंद्र सरकार से डेपुटेशन पे उड़ीसा में आए। वो उन्होंने फिर रघु को बुलाया SP के ऑफिस में, फिर उनको बोला कि आप कुछ भी करिए ये डॉक्यूमेंटेशन वीडियो डॉक्यूमेंटेशन बंद कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे अगर आप ये सब नहीं करेंगे। तो रघु के ऊपर भी इस टाइप का एक प्रेशर बना। दूसरी जगह हमने वेदांत पे देखा कि जो पहला जो यूथ था जिसने कैमरा उठाया था और ये सब डॉक्यूमेंट कर रहा था, जीतू जाकासी का, उसको कंपनी ने घेर लिया हम लोगों से पूरा, उसको आइसोलेट करके 6 महीने में उसके ऊपर विभिन्न टाइप का प्रेशर और प्रलोभन दिखा के उसको उन्होंने कोप कर लिया। मेरे साथ मैंने अपने साथ देखा कि मेरे परिवार के थ्रू भी काफ़ी टाइप का प्रेशर आता है। तो कंपनियां हर तरीके का वो यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हमको हमारे काम को रोकें। एक बार तो ऐसा हुआ था कि YouTube पे
40 से ज़्यादा वीडियोस थे जो जो कि 2006 से लेकर 2009 तक मैंने अपलोड किया था, और वो वेदांत का जो पूरा सारा जो वायलेशंस रहा है और जितना स्टेट का रिप्रेशन रहा है वो सारा चीज़ को वो आगे ला रहा था, लेकिन वेदांत ने हैक करके सारा अपना वीडियोस डिलीट कर दिया, तो वो भी एक तरीके का असॉल्ट था हमारे काम के ऊपर। फिर अभी कुछ ही दिनों पहले जैसे, और हमने ये भी देखा जैसे केवी के समाचार के साथ हुआ है, उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस हुआ, जबकि कोर्ट सरकार को बोला है कि आपका जो डिफेमेशन जो आप बोल रहे हैं वो उसको आपको ठीक तरीके से साबित करना होगा कि ये डिफेमेशन है, क्योंकि वो डिफेमेशन नहीं था। केवी के समाचार अपना जो काम है वो ही कर रहा था और रिपोर्टिंग किया था, लेकिन ये लगातार जो एक्सपोज करता गया उसी को फंसाने के लिए वेदांत और सरकार जो है और भवानीपटना का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलकर उनको ये कोर्ट के केस में उनको फंसाने की कोशिश की है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब अटेम्प्ट्स टू गॉर्ब आवर वर्क, बट एंड इट इज़ दे उनका भी वही है कि वो भी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं और नए नए तरीके भी सोच रहे हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि एक एनजीओज़ का जो है बहुत बड़ा मतलब एग्रेसिव अटेम्प्ट रहा है कि ये हमारा सारा काम को अप्रोप्रिएट करने के लिए, उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे जो एजेंडा है वो भी ड्रिवन है ये कॉरपोरेट एजेंडा को पुश करने के लिए कि कैसे ये स्पेस को अप्रोप्रिएट करके डिपॉलिटिसाइज करके उसको अभी जो ये शार्प क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको एक ब्लंट बना दिया जाए और उसको जो इफेक्ट इनइफेक्टिव कर दिया जाए, तो वो भी और एक है। अभी तक YouTube में आप लोगों ने इस तरह से कितने फुटेज डाले होंगे और कितनी वीडियो मतलब आप लोगों ने बनाई होगी? कम से कम 60 वीडियोस तो हमने अपलोड किया ही है, और बहुत सारा फुटेज है हमारे पास, 100-100 घंटों की फुटेज है जो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा काम जो है वो कोई एनजीओ के फंड से तो होता नहीं है, और हम लोग बस जो संघर्ष जो जनसंगठन है जो संघर्ष कर रहा है उन्हीं के सपोर्ट से हम फिल्म बनाते हैं और उसके डीवीडीज बेच के उसको फिर रेवेन्यू जनरेट करते हैं ताकि हमारा काम चलता रहे। तो ये पूरा है उससे काम तो चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, बहुत रिसोर्सेज की कमी रहती है। इसके लिए बहुत फुटेज है जो बहुत जगहों की कहानियां हैं जो हम अभी तक आगे नहीं ला पाए हैं। अभी तक बस ये रहा है कि वेदांत पोस्को ये जो बड़ी कंपनीज है जो जो इमरजेंसी है जहाँ पे उस इश्यूज़ को एड्रेस करने की हमने कोशिश की है क्योंकि रिसोर्सेज की ये कमी है, नहीं तो कम से कम 60 से ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। और इसके जो कल हम लोग जो देख रहे थे उस तरह की कितनी फिल्में? हाँ उसी टाइप के कम से कम सारे वीडियोस उसी टाइप के हैं, और ये है कि वीडियोस हम दो टाइप के बनाते हैं, एक बनाते हैं जो प्रॉपर मतलब एक इशू को समझाने के लिए और थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेट में बनाते हैं, बट एट द सेम टाइम हम छोटे छोटे फिल्म्स बनाते हैं जो कि जो MTV जनरेशन है जो मिडिल क्लास का एक है जिनको जब तक एस्थेटिक्स का उनका होता है वो मैसेज कुछ भी हो कंटेंट कुछ भी हो लेकिन जब तक एस्थेटिक्स पे ठीक रहता है वो ग्रहण कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन को, तो उनके लिए भी हम कुछ अलग टाइप के क्रिएटिव फिल्म्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन थ्रस्ट जो है वो ये है कि इश्यूज़ को एविडेंस और जो कैंपेन के लिए जहाँ तक ज़रूरत हो सकती है वहाँ तक हम उस तरीके से हम बनाए इसको। जैसा कल आपने कहा था कि हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है कि हम इसको जो जहाँ पे संघर्ष चल रहे हैं उनको दिखाएं और उसके बाद हम दूसरी मतलब देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को जाएं, तो जो प्राथमिक उद्देश्य है आपके लोगों को दिखाने का उसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं? इसलिए हम एक तो है कि स्क्रीनिंग्स करते हैं गाँव गाँव में, और पहले खुद जाके करते थे अब खुद नहीं करते हैं, अब लोग खुद फिल्म मांग के कर लेते हैं। पहले एक LCD प्रोजेक्टर पे एक गांव में एक बड़ा स्क्रीनिंग होता था, फिर हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम अभी क्या करते हैं कि लोगों के घर में एक TV में छोटा ऑडियंस बना के देखते हैं ताकि एक ही गांव में हम 4 लोगों के घर में
चार रातों में मान लीजिए देख लेते हैं फिल्म को, यानी कि एक जगह वो करें, तो एक तो वो है विलेजेस में जो घर घर में स्क्रीनिंग टाइप का है। दूसरा ये है कि जो DVDs का सर्कुलेशन हो रहा है उससे भी कई लोगों के पास अपने आप से पहुंच रहा है और हमें नहीं मालूम क्या कर रहे हैं वो, लेकिन वो अपने आप से भी देख रहे हैं। और ये तो ये है कि जैसे जैसे संघर्ष जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे नए नए लोग संघर्षों के साथ जुड़ रहे हैं, वो उनके थ्रू भी फैल रहा है ये सारा जो फिल्म्स बन रहा है DVD के थ्रू बेसिकली। और ये जो डिसमिनेशन के जो और दूसरे मतलब, एक तो हो गया कि जो जहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पे दूसरे स्ट्रगल उसी स्ट्रगल को समझाने के लिए, और जो एक बड़ा जो मिडिल क्लास है उसको वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं? जो मिडिल क्लास के लिए तो हमारे पास तो सैटेलाइट है नहीं कि हम TV चैनल खोल लें और उनके घरों तक पहुँचा दें। एक ही जरिया है इंटरनेट, तो आज के डेट पे काफ़ी बड़ा सेक्शन है मिडिल क्लास का जिसके पास इंटरनेट पहुँच गया है, तो इंटरनेट एक बड़ा माध्यम है जिसके हम अपने आप से पहुँचाने की कोशिश करते हैं बातों को। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे पास मतलब जरिया है नहीं पहुँचने। यहाँ पे सिनेमा फेस्टिवल जैसे इनिशिएटिव हमारे लिए एक लाइफलाइन जैसा है, क्योंकि उड़ीसा से बाहर बातें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में सिनेमा फेस्टिवल से पहले मैं नहीं ले पा रहा हूँ। जितने शहरों में मैं सिनेमा फेस्टिवल के थ्रू ले पाया हूँ इन सारी बातों को, ये पहले नहीं हो पाता। इनफैक्ट सारे जैसे जीविका, वातावरण, परसिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब इस टाइप के फिल्म फेस्टिवल जितने हैं वो तो हमारे काम को टच करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो स्थिति के नाम पे हो या वो बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, जैसे कई सारे बातें बोल के ही हमारा काम को एक मार्जिनलाइज किया गया। चूँकि वो फंडेड भी हैं वहाँ से, वो फंडेड भी है। ये आप ये कहना चाहते हैं कि जो कॉर्पोरेट है उसने इस तरह के जो फिल्म मेकर्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स और उनके इनिशिएटिव को भी वॉक कर लिया और उसको अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, जो बहुत सारे फिल्म के नाम ले रहे हैं आप? हाँ, मतलब अगर जिस डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिस जो एक तरीके से एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ जुड़ा है, उस वो वैसे ही डाइल्यूट हुआ है जैसे पॉलिटिकल एक्टिविज्म इस देश में 80s में जैसे फोर्ड फाउंडेशन में। ये तो हालात जितना वो होगा मतलब जितना रिप्रेशन बढ़ेगा वैसे लोग नए नए तरीके ढूंढेंगे उसको डील करने के लिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन का अभी एक तरीके का इन्फॉर्मेशन भी यूज़ किया जा रहा है रिप्रेशन के लिए, गोली लाठी भी नहीं इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा हथियार है रिप्रेशन के लिए, तो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए इन्फॉर्मेशन काउंटर इन्फॉर्मेशन भी होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन वार तो चल ही रहा है, उसमें नए नए तरीके निकलेंगे, लोग इम्प्रोवाइज करेंगे। तो मतलब जो आगे का रास्ता है वो तो क्लियर है कि ये बहुत बढ़ेगा और दिख भी रहा है कि पूरे देश में ऐसे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं आगे, बट एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये जो ऑर्गेनिकली जितने रेस्पॉन्सेस मतलब हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो NGO सेक्टर है और कॉरपोरेट सेक्टर है वो एक झूठ मूठ का एक ऑल्टरनेट बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक आ, आ, बहुत सारे ऐसे इसी टाइप का कम्युनिटी वीडियो मॉडल पे बहुत लोगों ने शुरू भी कर दिया है, वीडियो वॉलंटियर्स हैं, ये सारे इस टाइप के जो हैं वो बहुत बड़े बड़े NGO से पैसा लेते हैं और उनका काम जो होता है वो बेसिकली हमारा स्पेस एक तरीके से अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो वेल फंडेड होते हैं, उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी होता है, बेटर रीच होता है, तो ऐसा लगता है कि वो ही अल्टरनेट है और कोई अल्टरनेट है नहीं, मतलब वो अल्टरनेट है और हम लोगों का जो काम है वो तो आगे ही नहीं आ पाता है क्योंकि ये आगे आ जाता है। ऐसे बहुत सारी इनिशिएटिव्स मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है और होने वाला है, तो ये बहुत बड़ा डर है क्योंकि जो कॉरपोरेट्स हैं उनको तो समझ में आ गया कि ये एक डेंजरस ट्रेंड है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैमरा उठाएंगे और विभिन्न मतलब मीडिया को यूज़ करेंगे ये इन्फॉर्मेशन का एक वो करने के लिए मतलब काउंटर करने के लिए, तो वो तो बहुत मतलब डिस्ट्रेस्ड है ना इससे, तो एक बहुत बड़ा चल रहा है अभी, मतलब वो अभी अंडर करेंट्स हम फील कर पा रहे हैं कि
कुछ ही दिनों में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे, बहुत सारे ऑर्डिनेट्स बन जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन एक्चुअली रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सही मायनों में कौन जनता का। जैसे उन्होंने मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिज्म को अप्रोप्रिएट कर लिया है, वैसे इसको भी अप्रोप्रिएट करने का पूरा उन्होंने बना लिया है डिज़ाइन। तब ऐसे जंक्चर पे हम लोगों का, आप जैसे लोगों का अभी इमिडिएटली क्या क्रिटिकल स्ट्रेटजी, मतलब अभी हमें तुरंत ये कर लेना है और आगे 5 साल में ये चीज़ें करनी है, इस तरह कोई प्लानिंग बना दिमाग में, बन रहा है? हाँ, मतलब ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं हमारे, मतलब नॉट तो एक तो रिसोर्सेज पे थ्रेट है, दूसरा जो ये जो स्पेस बन रहा है रेजिस्टेंस के लिए थ्रू मीडिया, न्यू मीडिया, उसको बचा के रखने के लिए दो चीज़ें तो है। एक है कि हमारा काम जो है और भी प्रोएक्टिवली हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना होगा जो संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो जो कॉरपोरेट का जो पूरा है कि ये झूठ मूठ का जो अल्टरनेट स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, इसको एक्सपोज करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसको बिना एक्सपोज किए हम लोग शायद मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।